नमस्कार और वेलकम एवरीवन टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैंने आज सोमवार जुलाई 3 गुरु पूर्णिमा के दिन शुभ अवसर पर जो आज बहुत ही अच्छा दिन माना जाता है, आज के डेटा पर बनाया है जो डेरिवेटिव डेटा सब पार्टिसिपेंट्स के और ऑप्शन चेन के ऊपर में। तो निफ्टी ने आज तीसरा गैप अप मारा है 3 कंटिन्यूअस दिन, वेडनेसडे, फ्राइडे और आज फिर से एक हमको हमें गैप अप मिला है। तो क्या ये गैप अप कंटिन्यू करेगा कि कौन से पार्टिसिपेंट ने क्या रूप लिया है वो अभी चलिए चेक करते हैं। और हमेशा की तरह शुरू करते हैं हम इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ कि किसने क्या किया हुआ। तो आज की जो डेटा है उस पर एफआईआई हम देख रहे हैं, आज भी उन्होंने लॉन्ग ऐड किया और उल्टा सामने से थोड़ा शॉर्ट कवरिंग भी हुआ है कुछ एफआईआई का जो शॉर्ट थे मार्केट में। नाउ इस शॉर्ट्स को जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, इसको हम स्ट्रेट नेकेड शॉर्ट मत समझिए क्योंकि बहुत सारे ट्रेड ऐसे भी होते हैं जिनमें इंडेक्स शॉर्ट किया जाता है और सामने से स्टॉक लॉन्ग किया जाता है। तो ये वो भी स्ट्रेटेजी होता है कि हेज सिचुएशन की तरह किया जाता है कि अगर मार्केट नीचे गिरा तो वो जो स्टॉक फ्यूचर का लॉस है वो इंडेक्स अगर गिरेगा तो उससे कंपेंसेट हो जाएगा पेर ट्रेड। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने आज शॉर्ट कवरिंग किया है, बहुत ही नेक्स्ट टू नेग्लिजिबल लॉन्ग अनवाइंडिंग भी की। प्रॉप डेस्क ने दोनों किया है बट शॉर्ट ज्यादा ऐड हुए हैं उनके, आज 2 पर 2.5 1 पर 1.5 का रेशियो बनाया है और अब उनके शॉर्ट्स और बढ़ गए 25,000। क्लाइंट्स ने भी वही ऑलमोस्ट सेम नेचर जो प्रॉप डेस्क ने किया है वही किया है, जितने लॉन्ग है उससे कई ज्यादा शॉर्ट्स हुए, उनके नेट शॉर्ट वापस 50+ 55,000 के और आ गए। तो फिर से हमें यही दिख रहा है कि इतनी बड़ी रैली के बाद भी एफआईआई और बुलिश हो रहे हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस माइल्डली बुलिश है, जो हेज ट्रेडर है वो भी बुलिश है जो नॉर्मली हेज करते हैं, सामने से प्रॉप डेस्क और क्लाइंट्स बेरिश है, उनको लगता है कि ये रैली को एक पुल बैक आना चाहिए, बहुत सीधा ऊपर चला गया है और कितना ऊपर जाएगा उस हिसाब से शायद इसको आप उतना सीरियसली मत लें, ये डायलॉग को एक मीम समझ के छोड़ दीजिए उसे, कि क्या लॉजिक हो सकता है ऊपर जाने का या जो भी कारण, उनको लगता है कि मार्केट बहुत महंगा है, कोई टेक्निकल रीजन होगा, कोई डेरिवेटिव डेटा होगा, कोई फंडामेंटल होगा या जो भी। ऑप्शंस की बात करें तो एफआईआईज ने बहुत माइल्डली अपना रेशियो चेंज किया 0.06 से 0.07 और उसका कारण है 18,000 ग्रॉस लॉन्ग सामने से 41,000 ग्रॉस पुट एडिशन हुआ, इवन दो अभी भी कॉल ज्यादा है और आप इधर भी देख सकते हो जो पुट बाइंग हुई है आज उतना क्वांटिटी नहीं है जितना सामने से कॉल की बाइंग और स्प्रेड्स बन रहे हैं। इधर में पुट पे अभी भी एफआईआई उतना कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहे हैं, जो कोई एग्रेशन नहीं, बहुत स्लो अक्यूमुलेशन जैसा हो रहा है उनका पुट का उस साइड में, बड़ा कुछ मतलब प्रोटेक्शन या कुछ उनको लग रहा है कि टाइम लगेगा टर्न होने में, तो अभी से स्मॉल क्वांटिटी अक्यूमुलेशन जैसा ये सिनेरियो लग रहा है। प्रॉप डेस्क ने जो काफी बुलिश थे ऑप्शंस में और जहां उनकी रीडिंग सही गई है ट्यूजडे से लेके अभी तक, अब वो उनको लगता है कि नहीं बहुत हो गया और ऊपर नहीं जाएगा, ये उन्होंने नेट शॉर्ट पोजीशन कर लिया 1,21,000+ से सीधा 1,65,000 माइनस, मतलब काफी चेंजेस हुए हैं आज उनके पोजीशन में। और आप देख सकते हो यहाँ में 2 लाख लॉन्ग के अगेंस्ट में लगभग 5 लाख शॉर्ट मारा है उन्होंने, 1:2 का ट्रेड सेटअप करके पूरा रेशियो थोड़ा चेंज कर दिया है अपना, मतलब कि वो जो उनके लॉन्ग्स हैं कॉल लॉन्ग्स उनके सामने में अब हेज ज्यादा कर रहे हैं, वो ज्यादा आउट ऑफ द मनी या एट द जो भी माना स्ट्राइक को अब लिख रहे हैं कि इन केस मार्केट नीचे गया तो हमारे लॉन्ग्स प्रोटेक्टेड रहेंगे कॉल्स या जो लॉन्ग लेके रखा है उन्होंने। प्रॉप साइड ने बट इंडेक्स पुट्स पर भी जबरदस्त शॉर्ट मारी है आज, यहाँ देखो आप 2,70,000 सामने से 4 लाख, ऑलरेडी वो शॉर्ट थे 3,44,000, अब और बढ़ा के 4,75,000, तो मतलब प्रॉप डेस्क को लग रहा है कि शायद ऊपर थोड़ा अब रिस्क है इस एक्सपायरी में और हमें थोड़ा प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। ये याद रखिए ये फिर निफ्टी भी इंक्लूडेड है जिसकी एक्सपायरी कल है, तो
तो वो उसको भी अपसाइड थोड़ा प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम प्रॉप डेस्क काफी कॉन्फिडेंट है कि ये एक्सपायरी आप में ही रहेगा और हैवी ड्यूटी पुट राइटिंग में उतर आए हैं। इधर में क्लाइंट्स जो है जो काफी बेरिश थे, लास्ट 3 दिन से हमने देखा, वेडनेसडे को भी वो बेरिश थे, फ्राइडे को भी बेरिश थे, मंडे को भी उन्होंने बेरिश स्टैंड लिया है, बट थोड़ा डिफरेंस हुआ है उनका बेरिश स्टैंड में। सबसे पहला डिफरेंस, जो उन्होंने हैवी ड्यूटी कॉल राइटिंग की थी वो अब कम हो गई है, वो सामने से उन्होंने काफी कॉल्स प्लस किए हैं आज। कॉल शॉर्ट भी है बट प्लस ज्यादा है, तो उनका जो डैमेज हो रहा है लास्ट 3 दिन से कॉल राइटिंग में, जो उनका नोशनल M2M लॉस हो रहा है, वो थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए उन्होंने अब कॉल बाइंग चालू कर दी है, बट एट द सेम टाइम वो बहुत बेरिश है। यहाँ देखिए 1,64,000 पुट नेट लॉन्ग को अब उन्होंने 2.5 लाख कर दिया, तो वो बेरिश ही है क्लाइंट्स, इन द सेंस कि वो अब कॉल साइड को फाइट नहीं करना चाहते कॉल राइट कर करके, वहां उनका डैमेज काफी हो चुका है, वो इंस्टेड पुट बाइंग कर रहे हैं कि पुट में उन्हें प्रीमियम स्पाइक मिलेगा, मार्केट में करेक्शन आएगा। नॉर्मली जो पुट बायर होता है वो ये डायरेक्शन खोजते हैं कि मूवमेंट डाउनसाइड फास्टर होगा, तो उनके जो पुट बाइंग है उनमें प्रीमियम स्पाइक आएगा, डेल्टा गामा स्पाइक होगी तो उनको एडवांटेज मिलेगा। कॉल्स राइटिंग यूजुअली का मतलब होता है कि मार्केट शायद नीचे नहीं गिरे पर ऊपर भी नहीं जाएगा, बट वहां पर व्हाइट फ्लैग ऑलरेडी क्लाइंट्स के तरफ से आज देखने को मिला है उस एंड। स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो आज FIIs ने लॉन्ग अनवाइंडिंग भी किया है और शॉर्ट कवरिंग भी की है, तो यही जो मैं इधर जो बता रहा था कि इनका जो ये जो कवरिंग था इंडेक्स शॉर्ट कवरिंग, वो स्टॉक फ्यूचर के संग थोड़ा बहुत मैच हो रहा है इधर, कि जो स्टॉक कवर किए या प्रॉफिट बुकिंग हुआ वैसे भी होगा, उनमें काफी नेकेड लॉन्ग फ्यूचर्स भी स्क्वेयर अप हुए हैं, बट कुछ एक्सटेंट तक वो हेज वाले ट्रेड होते हैं जो उन्होंने स्क्वेयर किया। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने बहुत बड़ी क्वांटिटी में आज बाय की है सामने से बहुत नेग्लिजिबल शॉर्ट, तो लगभग 3 लॉन्ग के अगेंस्ट में 1 शॉर्ट डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने आज किया। प्रॉप डेस्क और क्लाइंट्स दोनों का सेम रवैया रहा, इंडेक्स फ्यूचर में भी स्टॉक फ्यूचर में भी, यहाँ देख सकते हैं आप जितना लॉन्ग किया उससे ज्यादा शॉर्ट्स, इधर भी जितना लॉन्ग किया उससे ज्यादा शॉर्ट, दोनों एक ही बोट पर इस समय सेल कर रहे हैं फ्यूचर्स मार्केट को लेके। इस समय फ्यूचर्स की अगर बात करें तो ये डेटा, सॉरी ये 5 डे डेटा होगा, नॉट वन, ये लास्ट 5 ट्रेडिंग डे के हाईएस्ट ओआई चेंज हर सेगमेंट का के स्टॉक्स हैं, जहां पर हैवी ओआई चेंज हुआ है प्राइस के अगेंस्ट के मूवमेंट। Top 5 स्टॉक्स, आप इन स्टॉक्स का स्टडी कर सकते हैं, उनमें डायरेक्शन ट्रेड खोज सकते हैं, बट नॉट नेसेसरी कि आपको जो सेगमेंट में मिला उसी में मिलेगा, कई बार ऐसा होता है कि टारगेट उस सेगमेंट का खत्म हो चुका होता है और वहां से रिवर्सल के भी अपॉर्चुनिटी होते हैं। या सॉरी फॉर दैट, ये उस टाइप के पोजीशंस हैं जहां आपको बट ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल सकते हैं, आप अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लो, डेटा स्टडी कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क ठीक से मैनेज करिएगा उन ट्रेड्स पर। स्टॉक ऑप्शंस की बात करने उसके पहले हम PCR देखते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग मूव और PCR अभी भी 1.36 पर है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। इसका कारण एक ही है कि जितने कॉल राइटिंग एक्सपेक्टेड थे, जितना पुट राइटिंग पुट एडिशन हो रहा है, उतना ही सामने से कॉल एडिशन भी जबरदस्त हो रहा है इस समय। नॉर्मली जैसे मैंने पहले वीडियोस में भी बताया है कि 1.4 और 1.6 के बीच में मार्केट हेविली ओवरबॉट होता है और हमें वो उसी रेंज से एक करेक्शन दिखता है। लास्ट वीक भी हमें, लास्ट टू लास्ट वीक भी 1.42 से करेक्शन देखने को मिला था, देखते हैं इस बार ये कितना और ऊपर जा सकता है यहाँ से। कभी तो फिलहाल बहुत ही नेग्लिजिबल बढ़ के आया। स्टॉक ऑप्शंस की बात करें तो FIIs ने आज 1:2 स्प्रेड से थोड़ा ज्यादा कॉल ऑप्शन किया है
यहाँ में इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जो राइटिंग है, जो एक्स्ट्रा राइटिंग है, ये भी उनके स्टॉक फ्यूचर्स के अगेंस्ट में हेज होगा, वो भी हो सकता है। पुट की साइड भी अगर हम देखें तो वैसे ही सिमिलर स्ट्रेटेजी उन्होंने बनाया है, 1:1.5 का रेशियो में। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपना काम शुरू कर दिया है, सेटलमेंट शुरू, तो चलो स्टॉक राइटिंग शुरू, कॉल राइटिंग शुरू कर दिया। प्रॉप डेस्क की बात करें तो जो एफआईआई ने किया है वो ही किया कॉल में। पुट साइड में पुट बाइंग ज्यादा है, पुट शॉर्ट के सामने इस समय। डोमेस्टिक क्लाइंट्स ज्यादा करके लॉन्ग किया है शॉर्ट के कारण, क्योंकि इसमें कोई ये डिफरेंस इसीलिए सामने आता है प्रॉप डेस्क और एफआईआई डेटा के सामने, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स फ्यूचर ट्रेड नहीं करते हैं, वो ऑप्शन बाइंग में ज्यादा ध्यान करते हैं, और वो ऑप्शन शॉर्ट्स भी नहीं करते हैं, वो अपना रिस्क लिमिटेड करना चाहते हैं। तो इसमें वो हमें हमें इसीलिए ये हमेशा नेट बायर दिखते हैं, ये कारण से। स्टॉक पुट्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 1:1 के हिसाब से थोड़ा ज्यादा पुट लिया गया है इधर में क्लाइंट्स की तरफ से। एक बात इधर हमें अगर आप फिर से देखो, जो मैंने लास्ट वीक भी पॉइंट किए थे, कि अभी भी कोई भी पार्टिसिपेंट एग्रेसिव नेकेड पुट बायर नहीं है, सिवाय आज हमें प्रॉप डेस्क में ये देखने को मिल रहा है। जो भी पुट बाइंग हो रही है, सामने से पुट शॉर्ट भी किया जा रहा है, स्प्रेड बनाया जा रहा है, क्योंकि कोई भी पार्टिसिपेंट इतना कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहा है अभी भी कोई भी स्टीप करेक्शन को इस समय मार्केट में लेके, स्टॉक्स को लेके, खास करके इस लेवल पे। चलिए एक नजर लगाते हैं ऑप्शन चेन पर कि कौन सा इंडेक्स का क्या सिनेरियो बन गया। ऑप्शन चेन में निफ्टी की देखें तो निफ्टी की जो डेटा आई है वो टिपिकल स्ट्रॉन्ग डे, गैप अप डे, पुट साइड राइटिंग, और ये देखिए 19,300 के राइट। तो अगेन जैसे मैंने हर हफ्ता बोला, हर टाइम बोला है, अगर राइटिंग बल्क उसी दिन होता है तो उसको मैं थोड़ा सा कॉशियसली देखता हूं, क्योंकि वो राइटर जल्दी भाग सकता है। तो 94,000 आज का हुआ है, टोटल हुआ है, उसमें से 83 आज का लिखा है, इसको मैं सीरियसली नहीं लेता हूं, क्योंकि ये राइटर भाग सकता है यहाँ से। बट ये जो राइटर है 19,200 वाला, ये सॉलिड है। देखिए ये 29,000 आज लिखा गया है, ओवरऑल 76,000 था। तो ये कॉन्फिडेंस वाली बात है कि फाउंडेशन और बढ़ रहा है, 19,200 का इस एक्सपायरी को लेके स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना रहे। और यहाँ का जो राइटर, देखिए यहाँ से इसने प्रीमियम खा लिया पूरा, और वो अब ऊपर आ गए हैं 19,200, 19,300 के पास आस्ते आस्ते ऊपर आ रहे। यहाँ में भी वही देखने को मिल रहा है, प्रीमियम खा लिया है, बल्क प्रीमियम। ये जो राइटर है इन्होंने जबरदस्त प्रीमियम खाया है, और अब वो अपना रिस्क बढ़ा रहे हैं कि अगर लॉस, हम अपना स्टॉप लॉस वैसे मैनेज करेंगे, या आप बोल सकते हो एग्रेसिव राइटर अब इस जोन में आ गए नीचे से, या अच्छा प्रॉफिट बना तो चलो यहाँ और रिस्क लेते हैं, थोड़ा और कमाने का स्कोप बना रहे। कॉल साइड देखें तो इंटरेस्टिंगली आज प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है मार्केट। ये देखिए ये वाला तो डेफिनेटली 19,200 शॉर्ट कवरिंग है, ये वाला और ये वाला शॉर्ट कवरिंग है आज के गैप अप के हिसाब से, बट उसके नीचे जो है ये प्रॉफिट बुकिंग है पूरा का पूरा, नीचे वाले लेयर्स में। ऊपर देखें तो राइटिंग 19,500 साइकोलॉजिकल लेवल है, बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है, ये इतना इजी नहीं होगा क्रॉस होगा इतना, बट मार्केट है, लास्ट वीक भी हमने देखा इजी नहीं है। राइटर्स ने, कॉल राइटर्स को हालत खराब कर दी मार्केट ने स्पाइक में आके, तो ये इस बार भी हम उसको वैसे ही देखेंगे। बट यहाँ में फिर देखिए यहाँ पर भी राइटिंग है 19,400 पे, पहले का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बना के रखा है मार्केट वालों ने। इस पर 19,300 का पुट कॉल रेशियो देखिए, आज बैलेंस लग रहा है, उसका मेन कारण ये यहाँ का एडिशन। अगर कल मार्केट क्वाइट रहता है तो मैं 19,300 स्ट्रैडल बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, आज ऑलरेडी 150 में है, सुबह स्टार्ट ऑफ द डे फ्राइडे के बाद जो ओपनिंग डीके के बाद 170 से ये 150 के तरफ आया है। तो अगर ये ज्यादा मार्केट कल दोनों साइड
स्पाइक नहीं देता है, गैप अप नहीं होता है, क्वाइट रहता है पूरा दिन, तो ये एक स्ट्रैडल बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि दोनों साइड कैसे डेवलपमेंट हो रही है मार्केट में देखने को मिलेगा। नहीं तो 200 मेरे हिसाब से बहुत बड़ा वॉल है, और ऊपर के तरफ फिलहाल 500 एक चट्टान जैसा वॉल खड़ा कर दिया उन्होंने, उसके ऊपर भी आप देख सकते हो राइटिंग है। बट ये एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि जो राइटर है उनका ज्यादा कॉन्फिडेंस 500 पर नहीं है, उसके ऊपर था आज राइटिंग में ये वाले कि नहीं रिस्क लेना है, 1 लाख है तो क्या हुआ, चलो थोड़ा और बाहर का आराम से लिखते, ज्यादा रिस्क नहीं ले रहे वो फिलहाल इस रेंज में। चलिए एक नजर लगाते हैं फिन निफ्टी पर, और फिन निफ्टी कल की जो एक्सपायरी है उसका क्या आज चेन बन के आया है वो देखते हैं। तो फिन निफ्टी में भी देखिए तो वही टिपिकल स्ट्रॉन्ग मार्केट, तो चलो धनाधन लिखा जाए। और ये इसमें आप देखो बल्क राइटिंग 20,100 से लेके 2,250 आज है, देखिए आप। सो ये जो राइटर है सब आज ही टूट पड़े हैं मार्केट में। हेवीएस्ट सपोर्ट मेरे हिसाब से 20,050 पर है, उसके ऊपर और सब आज के राइटर है इतने स्ट्रॉन्ग मार्केट पे। इस साइड देखें तो सिर्फ कवरिंग ही कवरिंग है, सिर्फ कवरिंग कवरिंग, यहां तक राइटर 250 पर आज खड़ा है, इधर 250, और यहाँ हैवी ड्यूटी राइटिंग, इतने स्ट्रॉन्ग मार्केट पे भी हैवी ड्यूटी राइटिंग कल के एक्सपायरी को लेके की जा रही है। तो ये जो 20,300 और काम देख रहे हैं और 2,400, ये पहले से फाउंडेशन बन रहा था, स्ट्रॉन्गर आज हुआ है, बट सबसे बड़ा ये है 2,400, बट मेरे हिसाब से इवन 2,350 भी एक वॉल जैसा है, पहले से लिखा हुआ था काफी क्वांटिटी, तो ये 350-400 एक ब्लॉक की तरह है। और अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग रहा तो हम 2,200 2,150 को एक वॉल यहाँ बनाएंगे, और इधर में ध्यान देंगे पुट कॉल रेशियो अगर देखें तो हेविली बुलिश बायस है इस साइड 2,250, तो यही एक वॉल जैसा लग रहा है यहाँ पर 2,200 2,350 का जोन जो खड़ा है। चलिए बैंक निफ्टी देखते हैं, काफी स्ट्रॉन्ग था आज बैंक निफ्टी क्योंकि सीएमएक्स आईटी वीक था, रिलायंस भी आज बहुत स्ट्रॉन्ग था। बैंक निफ्टी का क्या रंग निकला है सामने से, तो यहाँ पर भी देखें तो मेजॉरिटी राइटर आज ही आए हैं मार्केट में अपर स्ट्राइक्स में, पहले का ये वाला एक कम बोल सकते हैं 44,900, ये पहले से राइटर, तो ये एक सॉलिड वॉल की तरह खड़ा हो गया, नहीं तो मेजोरिटी आज ही आया लिखने के लिए, ये यहाँ तक राइटिंग है 45,200 एग्रेसिव एकदम। इस साइड में ये राइटर 45,200 वाला पहले का मौजूद है, ये पहले के राइटर मौजूद है यहाँ पूरा, तो ये इतना इजी वॉल नहीं होने वाला है 45,200-300 या, और नीचे 44,900 का वॉल काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। पुट कॉल रेशियो अगर हम देखें तो 45,100 का इंटरेस्टिंगली प्लेस्ड है इस समय। तो कल के लिए जो आज का रेंज मूवमेंट हुआ था मार्केट का और पूरा डेटा उस हिसाब से जो बड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस जो वाइडर रेंज बोलते हैं हम मार्केट में जो कल का निकल के आया है वो फिन निफ्टी के लिए जो सपोर्ट आया है वो 2,100 और उसके नीचे 19,950, 20,100 और 19,950। रेजिस्टेंस जो है वो 2,400, 20,400 और 20,500। बैंक निफ्टी की बात करें तो सपोर्ट 44,825, उसके नीचे 44,500, रेजिस्टेंस 45,475, उसके ऊपर 45,800। निफ्टी सपोर्ट 19,175
और उसके नीचे 19,050, रेजिस्टेंस 19,450, उसके ऊपर 19,600। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे जरूर लाइक करें, चैनल को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तब तक के लिए अनुमति, और आपको आपके ट्रेडिंग पोजीशंस को लेकर बहुत सारी शुभकामनाएं।